नमस्कार, पेश है मेरी कहानी का तीसरा भाग। हंसते खेलते कॉलेज के साल गुजर रहे थे। एक दिन प्रिया अपने घर से कॉलेज का कहकर निकली, पर कॉलेज नहीं पहुंची। मैंने रोज की तरह उसका इंतजार किया। पूरा फर्स्ट पीरियड निकलने तक मैंने वेट किया और फिर उसके घर कॉल किया। पता चला वो तो कब की कॉलेज के लिए निकल चुकी है। सब परेशान हो गए। मैं अपने माता पिता को लेकर उसके घर पहुंची। उसके पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे। सुबह से शाम हो चुकी थी पर प्रिया की कोई खबर नहीं। हम सबके मन में अजीब अजीब विचार आ रहे थे कि अचानक प्रिया वापस आ गई। और जब उससे पूछा गया कि वो कहाँ थी, उसने कहा कि वह मंदिर गई थी और वहीं बेहोश हो गई। सबने मान लिया, कहीं ना कहीं मैंने भी। हमने उसे ग्लूकोज पिलाया और लिटा दिया और सब धीरे धीरे जाने लगे। तभी प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं रुक गई। प्रिया ने कहा, मैं सबसे छुपा सकती हूँ पर तुमसे नहीं। दीपिका, मैं एक लड़के से मिलने उसके घर गई थी। इतना सुनते ही मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया और ना जाने क्या क्या सोच लिया। पर उसने आगे बताया कि वह लड़का काफ़ी समय से उसके पीछे पड़ा था और कल रात उसने अपनी नस काट ली। प्रिया घबरा गई, इसीलिए उसे देखने उसके घर गई और कहीं ना कहीं ये ठीक ही हुआ। वहाँ पहुँच कर उसने देखा कि लड़के के हाथ में पट्टी बंधी हुई है। वह बहुत इमोशनल हो गई। फिर उस लड़के की बहनें प्रिया को काफ़ी गिल्ट महसूस कराने लग गईं और इमोशनल करने लग गईं। प्रिया को लगा शायद वो लड़का उसके लिए बहुत सीरियस है। वह इन्हीं विचारों में लड़के के घर से बाहर निकली, पर 2-5 मिनट से उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ और चीज़ें क्लियर करनी हैं। अगर इस रिश्ते में सीरियस होना है तो वह वापस गई और उसने देखा कि वो लड़का और उसकी बहनें प्रिया की बेवकूफ़ी पर हंस रहे थे। उस लड़के ने कोई नस नहीं काटी थी, सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल था। वह बहुत हर्ट हुई पर फिर भी मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने डांटते हुए समझाया, प्रिया ऐसे कैसे किसी पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। वो बहुत घबरा गई और मुझसे लिपटकर रोने लगी और बोली, क्या हम लड़कियां सिर्फ एक खिलौना हैं जो ये लड़के जिद करके पाना चाहते हैं और इस तरह के तरीके अपनाते हैं। मैंने कहा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। पर उस दिन से प्रिया लड़कों से दूर रहने लगी क्योंकि उसे उनकी सच्चाई पर हमेशा शक रहता। पर लिमिट तो उस दिन हो गई जब उसे उसके पापा के अफेयर के बारे में पता चला। वो अंदर ही अंदर टूट गई। उसने मुझसे कहा कि सच्चे प्यार जैसा कुछ नहीं होता। जब मेरे माता पिता इतने सालों के बाद भी एक दूजे के ना हो सके, हम कुछ दिनों के आकर्षण को कैसे प्यार समझ सकते हैं। उसके बाद उसके सभी छोटे भाई बहनों की शादी हो गई पर प्रिया कभी किसी को ना अपना सकी। अपने कड़वे एक्सपीरियंसेस के चलते उसने कभी शादी नहीं की और धीरे धीरे हम सबसे दूर होती चली गई। किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कोई सोशल अपडेट नहीं। मुझे 1-2 साल में अपनी कंपनी के नंबर से कॉल करती, बस इतना बोल के फ़ोन रख देती कि दीपिका मैं ठीक हूँ, मुझे पता है एक तुम ही हो जो सच्चे दिल से मुझे याद करती होगी, और हाँ अब मैं झूठ नहीं बोलती क्योंकि तुम्हारी हंसी नहीं सुन पाऊँगी अब। पर हाँ, आज भी जब कभी चोट लगती है तो मुझसे हनी निकलता है, हनी मतलब मेरा नाम, और फ़ोन रख देती है। कभी अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया और किसी को उसकी कोई खोज खबर नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कभी उससे फिर से बात हो पाए और मैं उसे बता सकूं कि माना ये ज़िंदगी सबके लिए आसान नहीं होती, पर यह भी तो सच है जीवन हमेशा काली रात नहीं होती। तुम्हारी रात का भी सवेरा होगा, ख़त्म करो ये इंतज़ार। तुम्हारी रात का भी सवेरा होगा, ख़त्म करो ये इंतज़ार। क्यों इतनी खफा हो जिंदगी से प्रिया, बहुत याद आती है तुम्हारी, लौट आओ एक बार, लौट आओ एक बार। धन्यवाद।